हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात कर रहे हैं पोर्चुगीज़ लीग का मैच। देखिए, कल पोर्चुगीज़ लीग के 3 मैचेस हुए थे, बड़े रोमांचक थे। और आज भी 3 मैचेस और हैं। तो हम अभी पहला मैच जो कवर कर रहे हैं वो विटोरिया गुमेरेस और बोया विस्टा के बीच में कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही टीम्स जो हैं वो मिड ऑफ द टेबल टीम्स हैं। जहाँ पर आप बात करें अगर होम टीम की विटोरिया, तो उन्होंने 15 मैचेस में 22 पॉइंट लिए हैं। और वहीं पर वो 8वें पोजीशन पर है। बोया विस्टा ने 15 मैचेस में 15 पॉइंट लिए और वो 10वीं पोजीशन पर है। देखिए, 7 पॉइंट का अंतर है और यही कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि विटोरिया गुमेरेस जो टीम है वो ज़्यादा बेटर टीम है और हमें एक्सपेक्टेड है कि ये गेम वो एज आउट करेंगे। हालांकि बहुत कंफर्टेबली नहीं जीतेंगे, 2-1 या 3-1 ये गेम जीत सकते हैं। तो इस हिसाब से हम टीम बनाते हैं। देखिए, आप इनकी राइवलरी के बारे में अगर आप अंडरस्टैंड करें ये टीम के बारे में, तो देखिए लास्ट टाइम बोया विस्टा ने होम और अवे दोनों ही विटोरिया से गेम हारे थे। तो बोया विस्टा ऑब्वियसली थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा, कोशिश करेगा कि ऐसा कोई रिज़ल्ट वापस करें। और दूसरी बात क्या है कि ये सिर्फ 3 पॉइंट पीछे हैं जो होम टीम है विटोरिया, और वो एस्टोरियल प्रायरा जो 5th टीम है उससे बराबर हो सकती है अगर ये मैच जीतती है तो। जिससे क्या होगा कि वो अपनी जो चैम्पियन, जो हम लोग यूरोपियन कॉन्फ्रेंस बोलते, जो यूरोपा लीग पहले कहते थे, उस पोजीशन पर ये आ सकती है। तो इनके लिए प्ले करने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा। और सबसे बड़ी बात उनकी अच्छी क्या है कि जो विटोरिया टीम है, देखिए ये आपको समझना ज़रूरी है, ये टीम में बेनिफिट क्या है कि इस टीम में जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि ये अभी तक इतना सॉलिडली परफॉर्म कर रही है, क्योंकि विटोरिया का डिफेंस जो है उन्होंने काफ़ी कम गोल कंसीड किए हैं। 16 गोल्स कंसीड किए हैं अभी तक, जो कि एक बहुत ही क्रेडिबल फिगर है 15 मैचेस के बाद। और सिर्फ 5 टीम जैसी है जिन्होंने कम किए, तो ये अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है। वहीं पर अगर आप बात करें बाकी इनके प्लेयर्स वगैरह की, कौन से क्या इंजर्ड है, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो विटोरिया जो टीम है, अनफॉर्चुनेटली जो उनके मिडफील्डर है, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रे की, एंड्रे इस गेम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हैं, तो आप उनकी सर्विसेज को वो नहीं कर सकते। और वहीं पर जो बोया विस्टा है उनके जो मिडफील्डर हैं, मैं बात कर रहा हूँ मिगुएल रेसिनो की, वो भी टीम का पार्ट नहीं होंगे बिकॉज वो भी इंजर्ड है। तो आप इन दोनों प्लेयर्स को कंसिडर ना करें। डिफेंडर्स में देखिए, चलिए टीम सिलेक्शन की बात करते हैं। गोलकीपर हम बोया विस्टा के लेंगे, बायरन वैंड, वो गेम स्टार्ट करते हैं। और इनको लेने का सबसे बड़ा कारण, तो ऑब्वियसली सबसे लॉजिकल कारण है कि अवेट कीपर हैं तो होम टीम ज़्यादा प्रेशर में खेलेगी। दूसरी बात है, 8 गेम्स खेले जो बैरेवेंड ने हैं, देखिए इसमें 2 कीपर है, एक ब्रेकाली है जो ब्राज़ीलियन है और एक ब्रैनवेंड है जो ईरानियन है। ब्रेकाली ने आधे मैचेस खेले, आधे उन्होंने खेले, हालांकि ब्रेकाली जो है वो 40 वर्षीय वेटरन कीपर हैं। जब ब्रैनवेंड अवेलेबल नहीं होता तो ब्रेकाली खेलते हैं, और ब्रैनवेंड ने 8 मैचेस में 27 सेव्स किए हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टैट है, 3.5 सेव्स पर मैच का। तो यहाँ पर हमें लगता है इनको और पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। विटोरिया की अगर आप बात करें डिफेंडर्स की, तो देखिए इनके जो सबसे टॉप क्लास डिफेंडर हैं वो सोरेज हैं। मैं इनको टॉप क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राफा सोरेज पोर्चुगल के डिफेंडर हैं, 12 मैचेस खेले हैं, 12 मैचेस जितने खेले उनमें फुल 90 मिनट्स खेले हैं, सारे मैचेस में 2 असिस्ट किए हैं, जो कि एक अच्छा स्टैट है। लेकिन आप उनके अगर दूसरे भी वो देखें स्टैट्स, देखिए 69 क्रॉसेस इन्होंने किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक नंबर है, जिसमें इन्होंने 9 इंटरसेप्शन, 12 टैकल किए। तो शॉर्ट गेटिंग एक्शन से लेकर डिफेंसिव एक्शन सारे ही इनके बेहद मजबूत हैं। ये हमने इनको सेलेक्ट किया। वहीं पर दूसरे डिफेंडर जो अवेलेबल हैं और जो खेल सकते हैं वो हैं एंड्रे अमारो, कोलंबियन डिफेंडर, सिर्फ 19 वर्षीय हैं। देखिए इनकी खूबी क्या है, 4 मैचेस खेले लेकिन 4 मैचेस में इन्होंने 6 टैकल किए, जो कि एक बहुत क्रेडिबल नंबर है, और 3 इन्होंने इंटरसेप्शन किए हैं। तो अमारो अभी जस्ट इन्होंने अपना खेलना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत डिफेंडर्स बहुत अच्छे हैं, इनको ज़रूर अपनी टीम में लीजिए। 2% लोगों ने लिया है, ये अच्छा एक आपके लिए वो रह सकता है। देखिए हम लोग परसेंटेज पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखते, कहीं 60-70-80% हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर फिट हैं और किन के स्टैट्स उनको बैक करते हैं, हम हमेशा टीम इस हिसाब से ही बनाएंगे। वहीं पर हम बात करें फर्नांडिस की, जो एक और जो जॉर्ज फिलिप ओलिवेरा फर्नांडिस, वो भी पोर्चुगल के डिफेंडर हैं।
इन्होंने भी अभी तक 3 मैचेस ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन इनका भी आप देखिए तो 3 मैचेस में इन्होंने 60 टैगल्स किए हैं, 5 इंटरसेप्शन किए, जो कि एक अच्छा क्रेडिबल एक रिकॉर्ड है, इसलिए हमने इनको भी लिया है। वहीं पर हमने अवे टीम बोआ विस्टा के हमने अबैस्कल को लिया है। देखिए अबैस्कल को लेने का जो कारण है, ऑब्वियसली हम लोग आपको फिर बताएंगे कि वो स्टैट्स हैं, और जो अबैस्कल है सबसे ज़्यादा टीम के लिए इंटरसेप्शंस करने वाले प्लेयर अबैस्कल ही हैं, 19 इंटरसेप्शंस किए, 16 टैकल किए, 10 मैचेस ही खेले हैं, तो ये बड़े क्रेडिबल प्लेयर हैं, इनको ज़रूर आप टीम में लीजिएगा। अगेन 9% लोगों ने लिए तो आपके लिए अच्छा पिक होगा। वहीं पर चलिए मिडफील्ड में आए और वहाँ पर हम अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो देखिए यहाँ पर विटोरिया का कोस्टा रोका, देखिए कोस्टा रोका जो विटोरिया के प्लेयर हैं, इनको लेने का लॉजिक भी यही है कि ये काफ़ी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं रोका, और इन्होंने अगर आप इनकी बात करें तो इन्होंने भी मैचेस स्टार्ट किए हैं 9, जिसमें इन्होंने 1 गोल 1 असिस्ट किया, लेकिन इनके शॉट क्रिएटिंग एक्शन सबसे ज़्यादा हैं, इस वजह से हमने इनको टीम में जगह दी है। वहीं पर अगर आप बात करें अवे साइड की तो देखिए हिमाचे और जीआई दोनों ही बड़े अच्छे मिडफील्डर हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हिमाचे के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस हैं, 61 क्रॉसेस हैं, 12 इंटरसेप्शन हैं, 13 टैकल्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्टैट है, लेकिन आप हिमाचे का अगर रिजल्ट देखें तो उसमें 3 गोल 3 असिस्ट भी हैं, तो ये बड़े धमाकेदार दमदार प्लेयर हैं, ये ज़रूर आपकी टीम में होने चाहिए। वहीं पर एनजीआई की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वो भी बिल्कुल पीछे नहीं है, उन्होंने 9 गेम स्टार्ट किए, गैम्बिया के प्लेयर हैं, 9 स्टार्ट्स में 3 गोल 1 असिस्ट किए हैं, जो कि एक बहुत ही क्रेडिबल रिकॉर्ड है, और ये भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ये अटैकिंग मिडफील्डर कम सेकेंड फॉरवर्ड खेलते हैं टीम के लिए, इनको भी हमने जगह दी है टीम में। फॉरवर्ड लाइन की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर अब मैं होम टीम की अगर बात करूँ विटोरिया गुमारेस की, तो देखिए मार्कस एडवर्ड्स जो इंग्लैंड के फॉरवर्ड है 23 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 13 स्टार्ट्स में 6 गोल 1 असिस्ट किया है, और हमने इनको ज़रूर लेना है, ये आपके कप्तान भी होने चाहिए टीम में। और वहीं पर हमने डुआटे को लिया, ब्रूनो डुआटे ब्राज़ीलियन फॉरवर्ड है, 25 वर्षीय युवा है, 14 मैचेस में 5 गेम स्टार्ट किए, 3 गोल 2 असिस्ट किए, टीम के लिए पेनल्टी भी ली है। देखिए यहाँ पर बड़ी इंक्रेडिबल बात है कि देखिए जो एक और इनके तीसरे प्लेयर ऑस्कर इटोपियन, वो शायद इस गेम का हिस्सा ना हो, उनकी फिटनेस पे कहीं क्वेश्चन मार्क है, इन्होंने भी पेनल्टीज लेते हैं, ब्रूनो डुआटे भी पेनल्टीज लेते हैं, थियागो सिल्वा भी पेनल्टी लेते हैं, एंड्रे भी पेनल्टी लेते हैं, और मार्कस एडवर्ड्स भी पेनल्टी लेते हैं, तो पेनल्टीज इनके बहुत सारे प्लेयर लेते हैं, तो अभी ये दोनों फिट प्लेयर इनको हम ले रहे हैं। वहीं पर एक आपको बोआ विस्टा में एक डाउट रहेगा कि पीटर मूसा को लें या आप सॉयर को लें, क्योंकि देखिए पीटर मूसा के 5 गोल हैं, सॉयर के 4 गोल 1 असिस्ट हैं, हम एक ही को लेंगे बिकॉज ये अवे टीम है, लेकिन देखते हैं बाकी टीम के अनाउंस होने के बाद क्या होगा। अभी हमने मूसा को लिया तो है, अगर ये स्टार्ट ना करे कोई और ना करे तो हम ट्राई करेंगे कि हम सॉयर को भी टीम में लें। तो ये अभी हमने टीम में बनाई है, इसका 4-3-3 खिला रहे हैं, 6 प्लेयर्स हम पेटोरे खिला रहे हैं, 5 प्लेयर हम बोआ विस्टा खिला रहे हैं, मैच प्रेडिक्शन इसमें रहेगी 3-1 होम टीम के पक्ष में, उस हिसाब से आप अपनी टीम बनाइए। थैंक यू सो मच, और बाकी भी टीम्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई होप कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत अच्छा ड्रीम 11 फुटबॉल खेल पाएँ। धन्यवाद।